आज वो दिन एक सेकंड हम लोग होली के लिए इधर आए थे 30 years बाद हम लोग ने ऐसी होली खेली। भाई साहब मेरे साथ क्या हुआ है मैं बोल नहीं सकता। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबल काम किया साइड में, जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। वो दिन इन्होंने ब्लॉग एंडिंग की थी, आज स्टार्ट करेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिज ब्लॉग। अभी यहाँ से वापस जाने की तैयारी होने लगी है। मस्त व्लॉगिंग सिखा दिया है मैंने, अच्छा लग रहा है। और मैं भी ज्वाइन करने वाली हूँ अभी, दो महीने में बॉम्बे आने वाली है ना, इसके लिए आज हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद से बॉम्बे रिटर्न। जाने की इच्छा तो बहुत कम हो रही है बट जाना तो पड़ेगा ही। निकल गए एयरपोर्ट के लिए। मम्मी क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कहते वाइट वाइट, अभी कलरफुल होके जा रहे हैं। हम लोग होली के लिए इधर आए थे, मस्त हो गया प्रोग्राम, अभी वापस घर जा रहे हैं। 30 years बाद हम लोग ने ऐसी होली खेली। आपने? मैंने थोड़ी ना, मैं तो 20 साल का हूँ। तुमने पहली बार खेली? तुम ना कर रहे। मम्मी का आईडी कार्ड नहीं मिल रहा। आईडी कार्ड आपने रख लिया था तभी? एयरपोर्ट पहुंच गए फटाफट, अभी बहुत लेट हो गए ऑलरेडी, बहुत लेट हो गए। पर एयरपोर्ट पूरा खाली पड़ा है, प्रॉब्लम नहीं होगी। 12:55 बोर्डिंग और अभी 12:15 बज गए, पर फटाफट हो जाएगा। इधर हम लोग 12:15 बजे इधर एयरपोर्ट पहुँचे थे, 12:30 तक तो सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो गया, बट एक प्रॉब्लम हो गई। जो अचार मौसी जी ने बना के दिया था मेरे लिए, वो अचार ले ही नहीं रहे लोग, बोलते मेन बैग में डालो। हम लोग तो हैंड बैग में रखे थे। अब मम्मी और मेरी बहन उधर गए कुछ अरेंजमेंट करने के लिए, देखते अभी कुछ होता है तो, वरना फिर नहीं छोड़ना पड़ेगा। बट मोस्टली हो जाएगा, मम्मी गई है ना, मम्मी कुछ जुगाड़ कर देगी। मुझे भी जस्ट रियलाइज़ हुआ कि मैं कभी भी एयरपोर्ट पर आया नहीं हूँ, एज इन यहाँ से मैं डिपार्ट नहीं किया हूँ, मैंने लैंड किया हूँ यहाँ। बिकॉज लास्ट टाइम भी मैं जब आया था तो मैं वापस रिटर्न ट्रेन से गया था। मैं वही सोच रहा था कि ये तो देखा नहीं है मैंने, ऐसा अलग क्यों लग रहा है। फिर याद आया कि मैं इधर से तो गया ही नहीं हूँ एक भी बार। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस प्रयागराज एयरपोर्ट, बमरौली एयरपोर्ट बोलते हैं इसे। मम्मी आ गई। मम्मी खुशखबरी है, क्या है? क्या हो गया ना? गया ना, मैं बोला था ना मम्मी जुगाड़ कर देगी कुछ। क्या किया आप? उसने रैपर लगवा के दे दिया। हम लोग रास्ते में तो जब ऐसा लग रहा था कि लेट हो गया है, पर अभी तो यहाँ पे आए तो ऐसा बहुत फ्री टाइम है अभी तो हम लोग के पास। अभी तो और 10-15 मिनट है बोर्डिंग स्टार्ट होने को। फाइनली लैंडेड। जब उधरते ना तो ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, एक बार घर के लिए निकल जाते हैं, फिर ऐसा लगता है जल्दी जल्दी घर आए। हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो सबके साथ पता नहीं, आपके साथ भी होता है तो बताओ। भाई साहब मेरे साथ क्या हुआ है मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैंने अपना GoPro घुमा दिया था और मेरे को वापस मिल गया भगवान की दया से। आई एम सो थैंकफुल। मेरे मुँह लड़खड़ा रहा है, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, पर आई एम सो थैंकफुल कि मुझे मिल गया है। सच्ची में ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला हूँ ये इंसिडेंट में, और मैं इसको पूरा अच्छे से पूरा समझाऊंगा आपको कि क्या हुआ। उस टाइम पे जब मेरा GoPro खो गया था ना, तो मैं बिल्कुल भी ऐसे हालत में था ही नहीं कि मैं कुछ ब्लॉग करूँ, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था और मेरा GoPro भी एकदम न्यू है, तो मैं एकदम डर गया था और पैनिक हो रहा था। तो मैं उस टाइम पर कुछ शूट नहीं कर रहा, मैं सोचा भी कि थोड़ा थोड़ा कुछ शूट करता, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ शूट करने की। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे अलग से अभी, तो उसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अभी आप देखो पूरी स्टोरी देखो क्या हुआ था। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो आप जब ट्रॉली चलाते हो तो पता है वो ट्रॉली में ऊपर जहाँ पे अपन हाथ रखते हैं तो उधर ऊपर पता है छोटी सी जगह होती है, कुछ कुछ लोग बच्चे बिठा देते हैं उसके ऊपर, अपन कुछ भी छोटा मोटा सामान उधर रख सकते हैं। तो मैंने उधर GoPro रख दिया। हम लोग फ्लाइट से निकले, तब मैंने कुछ कुछ चीज़ें ब्लॉग की जो आपने भी देखी होगी इसके पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग निकले बेल्ट की तरफ गए और वापस से मैंने ट्रॉली लिया और ट्रॉली में ना आगे रख दिया, उसके ऊपर मैंने GoPro रख दिया, बिकॉज फिर सामान वामान आ रहा था तो हाथ में पकड़ा तो सामान में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उस पर रख दिया।
और मेरे को पापा ने टोका भी एक दो बार कि ना उसके ऊपर मत रख। मैं बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने रख दिया उसके ऊपर। हम लोग ने बेल्ट में सब सामान वामान ले लिया, ट्रॉली पर रख दिया, और वो लेके ना मैंने टैक्सी बुक की थी, ओला शायद ओला बुक की थी। तो हम लोग ओला जोन में गए और एक पर्टिकुलर पिलर, मतलब पिलर नंबर होते हैं ना एयरपोर्ट पे, तो वो एक पिलर पे खड़ी थी। वो नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि ये बात को थोड़ा टाइम हो गया है। तो हम लोग उधर गए और जो ओला वाला बंदा था उसने क्या किया, उसने ना एकदम बीच में खड़ी की थी, मतलब रास्ते के बीच में खड़ी की थी, उसने साइड में पार्किंग में नहीं खड़ी की थी। तो हम लोग ने सब सामान फटाफट लोड किया, सब ट्रैफिक थोड़ी हो गई थी तो सब हॉर्न बजा रहे थे, तो जल्दी जल्दी मैं सामान लोड किया और मैंने गोप्रो उधर ऊपर ही भूल गया। पापा ने प्रॉपर अपने हाथ से दोनों ट्रॉली को, वो जो ट्रॉली मतलब जहाँ पे सब लगाते ना वहाँ पे लगाई, छोड़ी नहीं बीच में। पापा से भी गलती हो गई कि उन्होंने देखा नहीं, और मेरे से भी गलती हो गई थी क्योंकि मैंने गाई गाई में भूल गया उसको। फिर जैसे ही हम लोग टैक्सी में बैठ के थोड़ा सा निकले हैं, मतलब हार्डली 2 मिनट हुआ रहेगा, तो एकदम से याद आया कि अरे गोप्रो कहाँ पे गया। तो फटाक से मैंने टैक्सी रुकाई और गाड़ी में पहले चेक किया, गाड़ी में नहीं दिखा तो भाग के मैं और मेरी बहन दोनों भाग के पीछे गए। और पापा ने मेरे को बताया कि मैंने एग्जैक्टली इधर रखा था ट्रॉली, तो उधर ट्रॉली थी पर उधर गोप्रो था ही नहीं। तो फिर हम लोग सोच रहे कि अरे एकदम से ऐसे अचानक से क्या हो गया। फिर हम लोग वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है, तो सिक्योरिटी से हमने पूछा कि किधर है हम लोग का, ऐसे ऐसे मिसप्लेस हो गया ये वो। तो उन्होंने बोला कि सर अगर होगा तो यहाँ ही होगा, या तो है ना क्या होता है कि जब भी कुछ सामान मिसप्लेस होता है और हम लोग के कोई स्टाफ को मिलता है तो वो लोग सीधा CISS को जाके रिपोर्ट करते हैं, CISS को जाके दे देते हैं सामान। तो आपका सामान को टेंशन मतलब हुआ नहीं होगा, CISS पे जाओ मिल जाएगा। फिर मैं CISS कंट्रोल रूम पे गया, तो उधर मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे पास तो ऐसा कुछ सामान आया ही नहीं है। तो फिर मैं डर गया कि मैं बोला शेट यार चोरी हो गया लगता है। तो फिर मेरे को लगा कि मतलब कि कोई बंदे ने उठा लिया होगा, चोरी हो गया। तो मैं फिर मतलब ऑफकोर्स मैंने होप छोड़ दिया था कि अब नहीं मिलेगा। तो फिर भी मैंने पूछा, मैंने सोचा कि अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं, देखते हैं अपन कोशिश करते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिला तो एटलीस्ट ऐसा नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं की थी, ऐसा नहीं होगा ना। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर सकते हैं आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट के बाजू में सहार पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर है ना एक मतलब CCTV चेक करने के लिए परमिशन होती है, वो लेके आओ। तो मैं उधर गया और उधर से मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने मेरे को दे दिया। फिर मैं वो लेके वापस से आया एयरपोर्ट पे। फिर सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब करते करते थोड़ा टाइम हो गया था। फिर हम लोग ने CCTV चेक किया, और CCTV चेक किया ना तो CCTV भी नहीं दिख रहा था एग्जैक्टली क्या हुआ है, बिकॉज जिस लोकेशन पे मतलब मेरा मैंने छोड़ा था ना ट्रॉली, एग्जैक्टली उस लोकेशन पे कोई भी CCTV मतलब कोइंसिडेंटली का वो कोई CCTV था ही नहीं जो एग्जैक्टली उसको पॉइंट कर रहा हो। दूसरी दूसरी जगह पे सब पॉइंट रहा था बट एग्जैक्टली उसको पॉइंट कर रहा हो कोई था ही नहीं। बट फिर भी वहाँ पे जो CISS स्टाफ थे तो उन्होंने कैसे कैसे करके ना प्रॉपर ट्रेस किया वो मतलब एग्जैक्टली वो लोकेशन। और क्या हुआ कि एक बंदा मतलब एक दिखा बंदा, मेरे को तो नहीं दिखा था, CISS पर्सोनल जो थे उन्होंने मतलब वो करते गए ट्राई कि कैसे भी करके मिल जाए। तो उन्होंने क्या उनका नज़र गई कि है ना जैसे ही हम लोग टैक्सी में बैठे हैं एक बंदा पीछे चल के गया, और हम लोग की टैक्सी जैसे ही निकली ना एक बंदा चल के आया और उसने अपने जेब में कुछ डाला। तो उन्होंने मेरे को जूम करके दिखाया, तो मैंने बोला हाँ ये तो मेरा ही GoPro, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था क्योंकि GoPro सिर्फ इतना नहीं था ना, प्रॉपर ट्राईपॉड के साथ इतना कुछ इतना बड़ा रहता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि उसने अपने जेब में डाला और मेरे को दिख रहा है क्लियरली कि ये मेरा GoPro ही है। एंड टर्न आउट टू बी कि वो जो बंदा था वहाँ पे वो उधर का ही कोई बंदा था, और ही वॉज अ न्यू जॉइनी, तो उसको पता नहीं था शायद, या उसने जानबूझ के क्या मेरे को नहीं पता। तो उस बंदे को फिर वो लोग लेके आए और उसने फिर सरेंडर कर दिया कि हाँ मैंने लिया था करके, और उसने दे दिया GoPro लाके। उन्होंने मुझसे पूछा कि यही है क्या आपका GoPro, बोला हाँ यही है। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू CISF टीम जो एयरपोर्ट पे थी एंड ऑल ओवर इंडिया, मतलब जैसे मेरे को भी आज ये लोग काम आए तो किसी ना किसी को कोई और लोकेशन पे कुछ और रीज़न से काम आए होंगे। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू CISF टीम। मैंने मेल भी किया था CISF के जो मेन ID होती है, तो उधर से भी मतलब आई गॉट एन एक्नॉलेजमेंट। कि यही मेरे को आपसे शेयर करना था कि हमेशा अपना ध्यान रखो, मेरी तरह लापरवाह मत बनो। मेरे साथ ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पता है मैं खुद इतना ऐसा मेरे को ख़राब लग रहा था कि ऐसा हुआ। एंड रियली थैंकफुल टू द CISF टीम। तो आप लोग भी ध्यान रखो और आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखो, जस्ट इन केस का भी आपका कुछ मिसप्लेस हो जाता है तो नाउ यू नो कि आपको कैसे कैसे प्रोसीजर है उसका। जो भी आगे का ब्लॉग देखो आप। पापा मम्मी मतलब मेरे साथ में सब थे, मेरी बहन वगैरह, वो लोग तो घर चले गए। मैंने उनको बोला कि आप लोग घर जाओ, मैं मैनेज करता हूँ। अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ घर। बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ दिन था भाई आज तो। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ इरिस्पॉन्सिबल काम किया, और इतना बड़ा इरिस्पॉन्सिबल काम किया क्या बताऊँ। ये वाली फ्लाइट में ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा।